समस्या यह है कि हमारे ग्राम सभा में या ग्राम पंचायत में खुली बैठक नहीं हो पा रही है और ना ही समिति की गठन हो पा रहा है, जो कि सदस्य लोग कई सदस्य 8 से 10 सदस्य चाह रहे हैं कि खुली बैठक को करके समिति बनाया जाए। हम लोग यही चाहते हैं और वो हमेशा चाहते हैं कि हम सबको पता न इसी चले, ताकि हमको हर चीज़ का लूट घसोट करने का मौका मिलता रहे। पहले पंचवर्षीय में एक बार मीटिंग किया, इसके बाद कोई मीटिंग नहीं हुआ। हम लोग कई मांगे किया, पूरा नहीं हुआ। इसके बाद वो धमकी दे करके सबको भगा दिया, न मालूम पड़ा गांव में कि मीटिंग हुआ नहीं हुआ। और फिर इस बार वही चाल हो रही है। भदोही जनपद ज्ञापुर ब्लॉक के गलहिया गांव में पंचायत चुनाव होने के 5 माह बाद भी पंचायत समिति का गठन नहीं हुआ था, जिस पर मैंने 5 माह पहले वीडियो बनाया था। वीडियो बनाने के बाद उस वीडियो के माध्यम से समुदाय को जागरूक और संगठित करते हुए मैं उनके सहयोग से मैं इस वीडियो बदलाव ला पाया। बदलाव ऐसे हुआ कि ग्राम के सभी सम्मानित लोग और सदस्य लोग मिलकर, उसके साथ साथ आपका भी रोल था कि उसमें आप भी सहयोग किया, सपोर्ट किए कि वीडियो बनाए, दिखाए लोगों के साथ साथ, गए भी लोगों को अवगत कराए कि कैसे लोगों को किया जाए, कैसे आगे मतलब समिति का गठन होगा। इसके साथ साथ आपको भी हम धन्यवाद देते हैं कि हमारा ये ग्राम सभा की जो खुली बैठक और समिति का गठन किया कराया गया, उसमें आपका भी रोल था। इससे हम ग्रामवासी आपके आभारी हैं। अनिल जी को बुलाया गया, अनिल जी आए, हम लोगों का वीडियो बनाए, वीडियो बनाने के बाद फिर लेटर बनाए, फिर हम लोगों को ब्लॉक पे ले गए। ब्लॉक पे भी जाने के बाद हम लोगों को फिर वहाँ से डीएम के पास, वहाँ कई जगह हम लोग दिए, मुख्यमंत्री लखनऊ तक दे दिए लेटर, प्रधान भी लेटर दिए थे, हम लोग भी लेटर दिए। अनिल जी का लेटर पास हुआ, हम लोगों का आंगनवाड़ी पर मध्य गाँव में समिति गठित हुई। अभी अच्छा है, अच्छा चल रहा है। मैं चाहता हूँ कि इसी प्रकार इस कैमरे के माध्यम से समुदाय की समस्याओं पर वीडियो बनाकर उनके सहयोग से मैं बदलाव लाता रहूँ। मैं अनिल कुमार, भदोही उत्तर प्रदेश से, इंडिया अनहर के लिए।